Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवेज इस बार लगभग 100,000 वैकेंसीज पे RRB, ALP एंड टेक्नीशियन और ग्रुप डी पे रिक्रूट कर रहे हैं। इसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारे रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी के ट्वीट और PIB की एक प्रेस रिलीज पे, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चेंजेस को लेके बात करता है। तो आइए इस वीडियो में हम जाने क्या है लेटेस्ट चेंजेस और लेटेस्ट अपडेट्स RRB रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये न्यूज़ तब चर्चा में आई जब इंडियन रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस विषय में सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि सबको समान मौका मिले और परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिले, इसीलिए ये फैसला जनहित में लिया गया है। जो लिंक उन्होंने अपनी ट्वीट में दी है, वो आपको PIB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगी, जहां ये बात बहुत ही साफ साफ उल्लेख की गई है कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप सिर्फ 10th पास भी हैं, तब भी आप रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। अगर आपने ये फॉर्म सिर्फ इसीलिए नहीं भरा क्योंकि आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरे विश्वसनीय सोर्सेस जैसे ANI ने भी इस खबर की पुष्टि की है। तो ये थी दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट्स RRB ग्रुप डी और ALP के बारे में। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो की मदद से आपको सभी चीज़ें जानने में आसानी हुई होगी। हमने और भी बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स निकाले हैं अपर एज लिमिट एक्सटेंशन और मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेस्ट बुक से सब्सक्राइब रहे, अपने स्क्रीन पे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें और हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाए। टेस्ट बुक पे बने रहे और हर चीज़ सबसे पहले पाए RRB रिक्रूटमेंट 2018 के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।